हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको YouTube पे क्या आपको नहीं करना चाहिए ये बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर YouTube पे आप सक्सेस होना चाहते हो ना, तो आपको खुद एनालाइज करना होगा कि YouTube पे क्या क्या यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं और उससे हमें क्या नुकसान हो रहा है और क्या फ़ायदा हो रहा है, ये आपको खुद एनालाइज करना होगा। ऐसे ही मैंने कुछ चीज़ें एनालाइज की हैं, सो आपको ये चीज़ें आपको ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए अपने YouTube चैनल पर। अगर आप ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इसको अगर अप्लाई नहीं करते हैं, तो शायद आपको कुछ नुकसान हो सकता है YouTube पर। तो वैसे तो जो भी YouTube निकालता है, जो भी अपडेट निकालता है, वो तो अपने हिसाब से वो सही करता है। मतलब जो एक्सपीरियंस होता है YouTube पे वो अच्छा हो, इसीलिए वो सारी चीज़ें अपडेट में लाता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि YouTube पे आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप सफल होना चाहते हैं। इस वीडियो को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन बेल आप ऑन नहीं करते हैं तो जो भी वीडियो मैं नई डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगी। और आप भी अगर क्रिएटर हो तो आप अपने ऑडियंस को ऐसा बोल सकते हो करने के लिए। ये भी देखिए, पहला ये है, आपको ज़रूर करना चाहिए ये चीज़ें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं है सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल से होता क्या है। तो भाई, ये आप अपने यूजर को, ऑडियंस को ज़रूर बताएं। चलिए इस वीडियो को अब हम शुरू कर लेते हैं। नंबर वन दोस्तों, आपको YouTube पे एक चीज़ नहीं करना है, वो है आप अपना इंट्रो वीडियो जो बीच में होता है, जैसे लोग कहते हैं चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, उसके बाद 5 सेकंड 10 सेकंड का इंट्रो वीडियो चलता है म्यूजिक के साथ, एनिमेशन के साथ, तो वो आपको नहीं करना है। अब देखिए, आज के समय में कोई भी यूजर है, ऑडियंस है, वो नॉलेज लेना चाहता है और वो फालतू चीज़ें नहीं, डायरेक्ट अपने नॉलेज को लेके वो वीडियो से हटना चाहता है। तो आप अगर उसी बीच में अपना इंट्रो वीडियो लगा दोगे तो यूजर जो होते हैं इरिटेट हो जाते हैं, तो इससे वो वीडियो छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। हमारे वीडियो पे ऑडियंस रिटेंशन नहीं आता है, वॉच टाइम नहीं आता है, जिसकी वजह से हमारी जो वीडियो होती है वो फ्रीज हो जाती है और उस पर व्यूज आना बंद हो जाता है। इससे हमें बहुत नुकसान होता है। तो आपको YouTube इंट्रो वीडियो नहीं लगाना है। आप देखते होंगे कि मैं अपने जो भी मेरी वीडियो जितनी भी, मैं किसी पे भी इंट्रो वीडियो नहीं लगाता हूँ, इससे मुझे वॉच टाइम काफ़ी अच्छा मिलता है। सेकेंड चीज़, आपको आउट्रो नहीं लगाना है। अब दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एनिमेटेड टाइप का आउट्रो लगवाते हैं, जैसे बहुत से चैनल है आपको मिल जाएंगे आउट्रो एनिमेशन टाइप का होता है, आपको उस टाइप का आउट्रो जो है नहीं लगाना है। आप आउट्रो लगाओगे लेकिन अपने वीडियो पे, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, अब मान लीजिए यहाँ से मैं बोलना चाहता हूँ, वीडियो मेरी ख़त्म हो गई, थैंक्स फॉर वॉचिंग बोल रहा हूँ, तो आउट्रो मेरे बगल में आ जाएगा, वीडियो के दौरान ही आ जाएगा। जैसे आप देखते हो ना, 4 वीडियो आ जाती हैं स्क्रीन पे और बीच में लोगो आ जाता है सब्सक्राइब करने के लिए, तो दोस्तों ये आउट्रो होता है। लेकिन आपको एनिमेटेड आउट्रो नहीं लगाना है वीडियो के बाद, आपको वीडियो चलते रहना है, जो भी आप नॉलेज दे रहे हो उसी बीच में ही आउट्रो आपको लगा लेना है। अब इससे क्या बेनिफिट है दोस्तों, एक तो ऑडियंस रिटेंशन पूरा आपको मिलेगा, दूसरी चीज़ें, अब YouTube पे एक और नियम है कि आपको YouTube पे ऐड जो होते हैं, जिससे हम लोग पैसा कमाते हैं, वो शुरू में मिलता है और वीडियो के लास्ट में अब मिल रहा है, ये अपडेट आया है। YouTube लास्ट में जो ऐड देगा तो यूजर कैसे देखेगा, पहले आप बोल देंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग, यूजर जो होगा आपका आउट्रो तो देखेगा नहीं, तुरंत ख़त्म हुआ वीडियो, नॉलेज लिया निकल जाएगा, तो आपका जो वो पैसा है ऐड के थ्रू जो आने वाला है लास्ट में, वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये नुकसान है, आपकी अर्निंग घट जाएगी। तो आपको आउट्रो कहाँ लगाना है, वीडियो के दौरान, जैसे वीडियो बोल रहा हूँ उसी में आउट्रो आ जाएगा 10-12 सेकेंड पहले। इससे क्या होगा, आपको जो अर्निंग होनी है वो भी हो जाएगी, प्लस वीडियो में वॉच टाइम आपको पूरा मिल जाएगा, और आउट्रो पे क्लिक करके दूसरे वीडियो पे यूजर जो जा भी सकता है, इससे ये फ़ायदा है दोस्तों। तो यही था कुछ चीज़ें जो आपको यूट्यूब पे नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मैंने खुद एनालाइज किया, सब कुछ मैंने देखा, तो मुझे लगा कि आपको ये चीज़ें बताना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद।